Hi guys, I'm CS Diksha Joshi and welcome back to my channel. Those who have not yet subscribed, please subscribe my channel. So today we are going to discuss about कि हमें किस बुक से पढ़ना है. एक चीज़ थी जो मेरे साथ बहुत होती थी, एक पर्टिकुलर ये मतलब मेरी मिस्टेक बोल सकते हैं हम इसे, कि what I used to do was कि मैंने जब एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने इतनी सारी बुक्स से पढ़ लिया था कि जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब मैं फाइनल रिवीजन कर रही थी, मैं कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रही थी. तो इट वॉज, ये बहुत ब्लंडर हम कर देते हैं, ये कई सारे लोग ये चीज़ करते हैं. अभी मार्केट में इतने सारे रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, इतने अलग अलग ऑथर्स के बुक है, इतने सारे आपके कोचिंग के नोट्स ऑलरेडी होते हैं, प्लस इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल रहता है, स्कैनर्स है, अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स आने लगे आजकल. कई बार क्या होता है कि जैसे हमने अगर कोई हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमें नहीं पता कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो उसके पीछे हम कोई और भी बुक खरीद के ले आते हैं, वो भी हम पढ़ने लगते हैं. तो जब हम इतने सारे सोर्सेज से हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ब्रेन वो याद नहीं रख पाता है. तो आज हम ये चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ सफिशिएंट है पढ़ने के लिए या किन चीज़ों में से हमें पढ़ना चाहिए. सो फॉर थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो है ICSI का मॉड्यूल. ये मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट है, मतलब आप लोग मॉड्यूल के बाद स्कैनर देख सकते हैं, पर मॉड्यूल कवर करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम में आंसर्स लिख के आते हैं तो जो एग्जामिनर के पास जो रेफरेंस आंसर्स होते हैं वो सारे मॉड्यूल से होते हैं. तो उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है, जब हम मॉड्यूल को रिपीटेडली पढ़ते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं हमें आने लगती है कि अच्छा ऐसी लैंग्वेज में लिखना है, ये वाले वर्ड्स हमें यूज़ करना है. तो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरे कंपनी लॉ और दूसरे किसी लॉ के लिए हम लोग चाहे तो बेयर एक्ट देख सकते हैं, पर मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉड्यूल को आप, जैसे कई लोग स्किप कर देते हैं कि ये तो मॉड्यूल कौन देखेगा, हम दूसरी चीज़ों से पढ़ते हैं, पर मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ के एग्जामिनेशन लेके आई हूँ मैम. तो मॉड्यूल इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है आपकी लाइफ में कि अगर आप सिर्फ मॉड्यूल से भी पढ़ते हो ना, तो आई कैन से अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो. सेकेंड थिंग, फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए हम मॉड्यूल इसलिए नहीं रेफ़र कर सकते क्योंकि उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा दी होती है, प्लस उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लिमिटेड होते हैं. तो जनरली वैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते, पर हाँ वी कैन सी दैट हम लोग मॉड्यूल के क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लो. प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो थ्योरी वाला पार्ट होता है उसके लिए आप आपके जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो उनके नोट्स आप रेफ़र कर सकते हो, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आप आपके कोचिंग के नोट्स से आप सॉल्व कर लो, जो उनकी क्वेश्चन बैंक दिया है उन्होंने उससे. और प्रैक्टिस मैनुअल्स अवेलेबल होती है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से वो प्रैक्टिस मैनुअल लेके उसको भी सॉल्व कर सकते हो. अभी आपको क्या करना है, मॉड्यूल पढ़ना है और प्रैक्टिकल वाले आपके कोचिंग के नोट्स और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस आपको स्कैनर देखना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन आने वाले. आई मस्ट से यू वन थिंग कि आप जिससे भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप आपके जो सोर्सेस हैं उनको लिमिटेड रखो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों से पढ़ते हैं ना तो हमारा ब्रेन को याद नहीं रहता है, पर जब हम एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं ना तो एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है ना सामने तो आपको एग्जैक्टली वो पेज जो है ना बुक का वो याद आने लगता है, क्योंकि आपने उसको इतनी बार देखा होता है. तो ये बहुत ईजी रहता है, आपको वो पूरा लिटरली पेज याद आता है. बिलीव में कई हुई चीज़ मेरे साथ होती थी कि जब मैं लिखने जाती थी वो पेज पूरा याद आता था कि यहाँ पर वो आंसर लिखा हुआ है, तो मैं लिखना शुरू कर देती थी. तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो. वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप, दैट इज़ ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ ऑल दी अमेंडमेंट्स और नोटिफिकेशन जो भी आपके पर्टिकुलर अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल है, क्योंकि अमेंडमेंट्स में से पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, कई बार 10 मार्क का, कई बार 20 मार्क का अमेंडमेंट में से आता ही आता है. तो जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स है आप उसको चेक करते रहो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. You can follow me on Instagram also. आपकी queries मुझे DM कर सकते हैं. I try to reply to everyone, जो भी आपकी genuine queries रहती है I try to solve that. तो आप लोग मुझे follow कर सकते हैं. मेरा Instagram account के link मैं नीचे description box में लिख रही हूँ. Plus every Saturday को I conduct a question and answer session for all the students की जिसकी भी exam से related कोई queries रहती है या कोई और queries है, तो आप वहाँ पे मुझसे वो पूछ सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय, टेक केयर.